Previous class we have seen longitudinal magnification, we have seen lateral magnification. क्या था? Height of image by height of object, and we have seen many things related to that. आज की क्लास में हम लोग देखेंगे longitudinal magnification and velocity of image in mirror. I'm talking about spherical mirror. Let us see longitudinal magnification. थोड़ा समझने की कोशिश करना. कुछ लोग सोच रहे होंगे कि ये तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा, ये डेरिवेशन नहीं करना चाहिए या करना चाहिए, मुझे मालूम नहीं. ऐसा ना हो जाए कि आप सारा चीज कर लिए और बाद में कुछ एक खोखलापन सा आपके अंदर आ जाए. Your sole effort is not for entrance nor for the board exam. Remember, ये जो नॉलेज है you have to carry for your lifetime. और ये नॉलेज आपको दोबारा लेने की मौका नहीं मिलने वाला. तो जब भी लेना है पूरा ले लो. कौन जानता है आगे चल के आप फिजिक्स के प्रोफेसर बनोगे? हाँ बनोगे आप, क्यों नहीं बनोगे? सर मैं क्या प्रोफेसर बनूंगा? अरे कितने बच्चों में देख चुका हूँ जो क्लास में कुछ नहीं करते थे, आगे चल के बहुत बड़े बड़े पोस्ट में, बहुत ही बड़े बड़े पोस्ट में. ठीक है, फाइन, लेट अस प्रोसीड एंड सी लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन का मतलब क्या है. लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन का मतलब हुआ इफ एन ऑब्जेक्ट इज लाइंग अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस, तो व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ द इमेज रेशियो. ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन को चलो हम लोग एम डैश से नोट करेंगे. इट इज डिफाइंड एज the ratio of length of image along principal axis to length of object along principal axis. तो आप क्या कहोगे एमडीएस को? लेंथ ऑफ इमेज. तब क्या था लेटरल मैग्निफिकेशन में? क्या था? हाइट ऑफ इमेज. हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट. अभी आ रहा है लेंथ ऑफ इमेज बाय लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट. प्लीज चीजों को ध्यान से देख लेना, ये सारा चीज हर जगह अवेलेबल नहीं है. यू कैन नॉट गेट इट, यू मे गेट इट इन सम स्पेशल क्लासेस, लेकिन देख चैप्टर को कंप्लीट करना था. तो कुछ चीजें ऐसे हैं जो कि स्कूल एग्जाम में नहीं आते हैं, आई एम सॉरी आई हैव टू डू इट, क्योंकि थोड़ा सा क्यों छोड़ देंगे जब पूरा चैप्टर पढ़ाया था. ठीक, ये हमें अभी पता करना है कि कैसे पता करें व्हाट इज लॉन्गिट्यूडिनल मैग्निफिकेशन इन ए स्फेरिकल मिरर. लेट अस सपोज ऐसे थोड़ा सा इसको बनाता हूं कि स्पेस बन जाए यहाँ पे. यस, सपोज हम कहेंगे यहां पे कोई एक स्फेरिकल मिरर है. ध्यान से देखो, ये एक स्फेरिकल मिरर है. ठीक है, और मान लेते हैं कि ये उसका फोकल पॉइंट है, ये उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है. और सपोज हम कहेंगे कि हियर इज एन ऑब्जेक्ट लाइंग अराउंड द प्रिंसिपल एक्सिस. अगर ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, दिस लेंथ इज लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट. As the object is beyond C, the image will be between C and F. That everyone knows. Image will be between C and F. Okay. और object अगर यहाँ से शुरू करके infinity तक जाएगा, तब भी image यहाँ से शुरू करके F के अंदर ही रहेगा. क्योंकि for any position of the object beyond C, the image is between C and F. इससे पता चल रहा है कि image कुछ यहाँ पर ऐसा रहेगा. Suppose this is what is the image. आपको बताना है ये इमेज का, ए का इमेज कहाँ है, लेफ्ट में है कि राइट में है? बी का इमेज कहाँ है, लेफ्ट में है कि राइट में? बताओ ए का इमेज कहाँ रहेगा, यहाँ पर रहेगा कि यहाँ पे रहेगा, लेफ्ट एंड में रहेगा कि राइट एंड में रहेगा? सोचने की तरीका क्या है? सोचने की तरीका ये है कि अगर ऑब्जेक्ट रहता है सी पे, इमेज रहता है सी पे, ऑब्जेक्ट रहेगा सी के पास तो इमेज रहेगा सी के पास,
तो b इज क्लोज टू c, सो दिस एंड मस्ट बी इक्वल टू b डैश, है ना, और ये डैश, ये एंड मस्ट बी इक्वल टू a डैश। चलो मानते हैं कि दिस लेंथ इज लेंथ ऑफ इमेज, फाइन, ये हमें समझ में आ गया। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है दी लॉन्गिट्यूडिनल मैग्निफिकेशन, हमें लॉन्गिट्यूडिनल मैग्निफिकेशन पता करना है, ठीक। तो जब लॉन्गिट्यूडिनल मैग्निफिकेशन पता करने की बात आएगा तो हम कहेंगे चलो ये लेंथ, ये लेंथ को चलो मानते हैं u1 ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और ये लेंथ को मानते हैं यहां से यहां से यहां तक का लेंथ को मानते हैं u2, क्योंकि सारा डिस्टेंस को हम लोग पोल से मानते हैं, सारा डिस्टेंस को हम लोग पोल से मेजर करते हैं। तो अगर ये डिस्टेंस u1 हुआ तो हम कहेंगे ये डिस्टेंस u2 है, पोल से मेजर कर रहे हैं, कोई दो राय नहीं है, सबको समझ में आया। a का इमेज a डैश पे बना है, a का इमेज a डैश पे बना है, तो हम कहेंगे दिस डिस्टेंस वी कैन डेजिग्नेट एज v1, u1 को करिस्पोंड करके v1। b का इमेज यहां पे बना है, b का ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को आप u2 बोल रहे हो, तो b का ये डिस्टेंस को आप बोलोगे v2, ये v1, ये v2, हाँ ठीक है, ये हमें समझ में आ गया। अब अगर मैं लिखना चाहूंगा व्हाट इज लॉन्गिट्यूडिनल मैग्निफिकेशन, तो ये लेंथ माइनस ये लेंथ, तो क्या कहेंगे इट इज यू ऑब्जेक्ट लेंथ ऑफ इमेज बाय लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट। लेंथ ऑफ इमेज क्या है भाई, वी टू माइनस वी वन, एडेस बी डेस है लेकिन यहां तक वी टू है यहां तक वी वन है, सो इट इज वी टू माइनस वी वन। लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट क्या हुआ, यू वन माइनस यू टू, यू वन माइनस यू टू, याद रखने के लिए आसान होता है, इफ यू राइट इट इज वी टू माइनस वी वन बाय u2 माइनस u1, हाँ। सो अगर ऑब्जेक्ट का दोनों एंड का, ऑब्जेक्ट का दोनों एंड का डिस्टेंसेस मालूम है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंसेस मालूम है, इमेज का दोनों एंड का डिस्टेंसेस मालूम है, तो हमको मिल गया m डैश इज माइनस ऑफ v2 माइनस v1 बाय u2 माइनस v1, ये चीज आपको समझ में आया, ठीक। आगे बढ़ते हैं, फॉर ए स्मॉल लेंथ ऑब्जेक्ट, स्मॉल लेंथ ऑब्जेक्ट, कोई छोटा सा लेंथ का ऑब्जेक्ट है, थोड़ा ध्यान से देखो, स्मॉल लेंथ ऑब्जेक्ट मतलब लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट इज वेरी वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू द रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द मिरर, हम बताए थे स्मॉल लार्ज these are all relative quantities, तो आप कहोगे that means small length object मतलब l o is very very small as compared to radius of curvature, तो हम क्या कहेंगे m dash, m dash का value क्या था v2 minus v1 by u2 minus u1 with a minus n, है ना, ये आपको मालूम है, small length object है तो हम इसको लिख सकते हैं minus dv by du, du is the length of the object, dv is the length of the image. So for a small length object, the magnification, the longitudinal magnification is given by minus dv by du. हाँ सर ये समझ में आया, ठीक है। अगर ये समझ में आया तो इसको थोड़ा और modify करते हैं। We know that 1 by v plus 1 by u is equal to 1 by f, है ना, differentiating both sides, अगर दोनों तरफ को differentiate करेंगे तो हम कहेंगे differentiating both sides you find 1 by v का differentiation with respect to v करेंगे तो बनेगा माइनस वन बाई वी स्क्वायर डीवी, है मालूम है ना आपको, वन बाई एक्स का डिफरेंशिएशन वाई इज इक्वल टू वन बाई एक्स, डीवाई बाई डीएक्स क्या होता है
dy by dx is equal to ये वाले में x को आप x to the power minus 1 लिखो minus 1 x to the power minus 2 और dy is coming out to be minus 1 by x square into dx that is what I am writing here now differentiation of 1 by u with respect to u is minus 1 by u square du ये चीज भी समझ में आ गया क्या आप में से कोई मुझे बताएगा 1 by f का differentiation क्या लिखेंगे दो टर्म नहीं लिख चुका हूं तीसरा टर्म आप बता सकते हो क्या 1 by f का क्या होगा will it be minus 1 by f square into df ऐसा होगा क्या नहीं f is a constant for a mirror f is a constant ऐसा नहीं होगा भैया तो फिर क्या होगा constant है तो differentiation will be zero so from this what we conclude we found that minus dv by v square is equal to 1 by u square du और हमें क्या चाहिए था हमें चाहिए था m dash कैसे निकालते हैं उसको minus dv by du कितना आ गया it is v square by u square wow क्या मस्त है v square by u square but v by u क्या था it is nothing but minus v by u का square is nothing but m square m क्या था it was lateral magnification the longitudinal magnification for a small length object logic को भूल मत जाना for a small length object for a small length object you say the longitudinal magnification is square of longitudinal magnification is square of the lateral magnification समझ में आया क्या just let me make use of this I'll give you a small question तो आपको जल्दी समझ में आ जाएगा let me give you a question right a concave mirror has focal length 60 centimeter ठीक है a an ant of length 1.5 centimeter is along principal axis at a distance distance 90 centimeter from mirror what will be length of image of ant ठीक है क्या क्वेश्चन आपको ठीक से समझ में आ गया दिया है एक कॉनकेव मिरर है फोकल लेंथ 60 सेंटीमीटर है यहां से 90 सेंटीमीटर दूरी पे क्या रखा है चींटी रखा है चींटी का लेंथ कितना है चींटी का लेंथ है 1.5 सेंटीमीटर ओह इट इज टू स्मॉल एज कंपेयर टू 90 सेंटीमीटर और रेडियस 120 सेंटीमीटर रेडियस 120 सेंटीमीटर है इट इज कंपेयर टू रेडियस इट इज लुकिंग टू बी वेरी स्मॉल 160 सेंटीमीटर तो रेडियस हो गया 120 सेंटीमीटर 1.5 सेंटीमीटर इज वेरी स्मॉल इज कंपेयर टू लेंथ ऑफ और रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द मिरर फाइन नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट विल बी लेंथ ऑफ द इमेज इन द मिरर लेंथ ऑफ द इमेज इन द मिरर ओहो क्या दिया सॉल्यूशन देखे थोड़ा सॉल्यूशन क्या था सॉल्यूशन बनाते हैं हियर एफ एफ कितना है माइनस 60 क्योंकि कॉनकेव मिरर है यू कितना दूर पे है माइनस 90 ओहो क्या हमें
लेटरल मैग्निफिकेशन निकालना आता है, लेटरल मैग्निफिकेशन क्या है फॉर्मूला, इट वाज एम, क्या है फॉर्मूला, इट वाज एफ बाय एफ माइनस यू, क्या आपको याद है फॉर्मूला, यस, वैल्यू डाला जाए माइनस 60 बाय माइनस 60 माइनस माइनस 90 इज माइनस 2, ओहो माइनस 2 आया, अच्छा तो लॉन्गिट्यूडिनल मैग्निफिकेशन, लॉन्गिट्यूडिनल मैग्निफिकेशन कितना आया रे भैया, इट इज एम स्क्वायर दैट इज 4, सो लेंथ ऑफ इमेज बाय लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट इज 4, मतलब लेंथ ऑफ इमेज विल बी 4 टाइम्स, विल बी 4 टाइम्स लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट, लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है 1.5 सेंटीमीटर, सो इट इज 6 सेंटीमीटर, इमेज जो चींटी था इसका इमेज चींटा जैसे दिखेगा, 6 सेंटीमीटर वाला बड़ा हो गया, देख तो स्क्रीन पे डालेंगे चींटी का इमेज चींटा जैसे दिखेगा, क्योंकि रियल इमेज बन रहा है सामने बन रहा है ना। क्या ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन सबको समझ में आया, नेक्स्ट आइटम इज वेलोसिटी ऑफ इमेज इन ए स्फेरिकल मिरर, पाथ चल रहा है अलोंग प्रिंसिपल एक्सिस, अलोंग प्रिंसिपल एक्सिस, क्यों सर प्लेन मिरर में तो हम लोग दो किस्म की वेलोसिटी की बात किए थे, अलोंग नॉर्मल टू द मिरर, अलोंग पैरेलल टू द मिरर, ऐसे दो किए थे ना, इसके लिए वेलोसिटी वही हो रहा था, इसके लिए वेलोसिटी कुछ दूसरा हो रहा था, नहीं तो यहां पर ये वाला क्यों बात कर रहे हैं अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस, व्हाई नॉट दिस वन, कोई अगर स्फेरिकल मिरर के केस में ऑब्जेक्ट अगर इधर जाने लगेगा तो क्या होगा, सपोज व्हेन द ऑब्जेक्ट रीचेस हियर द एंगल इट इज मेकिंग इज सब्सटेंशियली लार्ज, द एंगल इट इज मेकिंग इज सब्सटेंशियली लार्ज, तो ये तो स्फेरिकल मिरर के रूल्स ही फॉलो नहीं होंगे, स्फेरिकल मिरर के लिए क्या क्या था, द इंसिडेंट एंगल्स मस्ट बी वेरी स्मॉल, द इंसिडेंट रेज मस्ट बी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस और पारा एक्सियल, है ना। हाँ अगर कोई कहेगा यहाँ के इसके आसपास मूव कर रहा है जब यहां तक गया बताओ, तो ठीक है हम निकाल सकते हैं, लेकिन अगर कंटिन्यूअसली कोई चीज मूव कर रहा है ऐसे और उसके लिए निकालने के लिए कहा गया तो ये आपके लिए मुश्किल नहीं नामुमकिन होगा, क्योंकि आपका सारा मिरर फॉर्मूला में से कुछ भी काम नहीं करेगा, इवन एफ इज इक्वल टू आर बाई टू विल ऑल्सो नॉट वर्क, समझ में आ रहा ना, ठीक है तो हम लोग बात कर रहे हैं इसका, जब कोई ऑब्जेक्ट अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस मूव कर रहा है टुवर्ड्स ए स्फेरिकल मिरर, हियर इज ए स्फेरिकल मिरर, ठीक है अब मान लो कि कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, ठीक है ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, चलो मैं इसको कुछ पॉइंट्स ले लेता हूं, मैं कहूं कि यहां पे ये पॉइंट है फोकल लेंथ, ये पॉइंट है सी, ये पॉइंट है पी, ये कोई ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट कहीं भी हो सकता है, ये ऑब्जेक्ट है किधर भी मूव कर सकता है, इधर भी किधर भी जा रहा है कोई फर्क नहीं पड़ता, आप देख रहे हो कि ऑब्जेक्ट अगर यहां पर होगा तो इमेज कुछ यहां पे होगा, है ना, हियर विल बी द इमेज, बिकॉज व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड सी इमेज इज बिटवीन सी एंड एफ, याद करें वो पुराना चीज क्या था बताओ, पुराना चीज हमारा क्या था, पुराना चीज ये था कि ये रीजियन वन है ना, ये रीजियन टू, ये रीजियन थ्री, ऐसे करके किए थे हम लोग, है ना, रीजियन फोर, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज इन रीजियन वन द इमेज इज इन रीजियन टू, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज इन रीजियन टू द इमेज इज इन रीजियन वन, और क्या देखे थे, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज इन रीजियन थ्री द इमेज इज इन रीजियन फोर, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज इन रीजियन फोर इमेज इज इन रीजियन थ्री, मैं बात को दोबारा बोलने के पीछे मेरा मकसद क्या है, मकसद यह है कि
अगर ऑब्जेक्ट रीजन वन में और माइनस इंफिनिटी से सी की तरफ आने लगा, ऑब्जेक्ट इज मूविंग फ्रॉम माइनस इंफिनिटी टू सी, फिर द ऑब्जेक्ट वाज एट इंफिनिटी, द इमेज फॉर्म्स एट द फोकस, वो तो फोकस का डेफिनेशन है, इमेज कहां पे था, एफ पे था। ऑब्जेक्ट इंफिनिटी से इतना दूर आके सी पे पहुंचा तो इमेज एफ से आके सी पे पहुंचा, क्योंकि ऑब्जेक्ट जब सी पे होता है इमेज सी पे होता है। तो क्या ऑब्जर्व किए, ऑब्जेक्ट इतना ज्यादा दूर आया इमेज यहां से यहां तक आया, ऑब्जेक्ट जितना समय में आया इमेज उतने ही समय में आया, तो किसका स्पीड ज्यादा है, ऑब्जेक्ट का स्पीड ज्यादा है कि इमेज का स्पीड ज्यादा है, किसका स्पीड ज्यादा है, ऑब्जेक्ट का स्पीड ज्यादा है। तो ध्यान रखो ऑब्जेक्ट और इमेज में से जिसका रीजन बड़ा होगा उसका स्पीड ज्यादा होगा। आर यू गेटिंग, दैट मींस इफ द ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन दिस जोन इमेज स्पीड मस्ट बी लेस देन दैट, इफ द ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन दिस जोन इमेज स्पीड मस्ट बी मोर देन दैट, इफ द ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन दिस जोन इमेज स्पीड मस्ट बी मोर देन दैट, ये आपको समझ में आना चाहिए। तो इस चीज को थोड़ा हम लोग नोट करेंगे। इफ रीजन ऑफ इमेज इज लार्जर देन रीजन ऑफ ऑब्जेक्ट, देन स्पीड ऑफ इमेज इज मोर एंड वाइस वर्सा। मिल गया ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसमें से, कोई ऑब्जेक्ट एफ और पी के बीच में मूव कर रहा है, इमेज का स्पीड ऑब्जेक्ट स्पीड से ज्यादा है कि कम है, ज्यादा, क्योंकि इमेज का रीजन बड़ा है। कोई ऑब्जेक्ट सी और एफ के बीच में मूव कर रहा है, इमेज का स्पीड ज्यादा है कि कम है, ज्यादा है, क्योंकि इमेज बड़ा रीजन में। ऑब्जेक्ट अगर बियॉन्ड सी मूव कर रहा है इमेज का स्पीड ज्यादा है कि कम है, क्योंकि इमेज सी और एफ के बीच में बन रहा है। एंड जब ऑब्जेक्ट यहां से इंफिनिटी से इधर आने लगा सी के तरफ, इमेज एफ से सी के तरफ आने लगा, नहीं? अच्छा, जब ऑब्जेक्ट हम कहेंगे कि ये धीरे धीरे, मान लो कि यहां पे था इमेज कहीं दूर था, जैसे जैसे ऑब्जेक्ट इधर आने लगा इमेज भी इसके तरफ आने लगा, क्योंकि जब ऑब्जेक्ट आपके मिरर के साथ चिपक जाएगा पोल पे, आप जाके मिरर पे अपना नाक को चिपक दोगे, आपको मिलेगा इमेज का नाक आपके नाक के साथ चिपका हुआ, मतलब व्हेन द ऑब्जेक्ट रीचेस पोल इमेज आल्सो रीचेस पोल। सो व्हाट वी ऑब्जर्व, ऑब्जेक्ट जिधर जाता है इमेज उल्टा जाता है, ऑब्जेक्ट जिधर जाता है इमेज उल्टा जाता है। तो क्या चीज समझ में आया, दूसरी चीज याद रखना है कि डिरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ इमेज इज ऑलवेज अपोजिट टू दैट ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी का अपोजिट है। ऑब्जेक्ट अगर जा रहा है लेफ्ट के तरफ, इमेज जा रहा है राइट के तरफ, नहीं? लेकिन ये स्टेटमेंट को कभी कभार लोग जो है थोड़ा रॉन्गली इंटरप्रेट कर लेते हैं, द ऑब्जेक्ट इज मूविंग टुवर्ड्स पोल, इमेज इज मूविंग टुवर्ड्स पोल अवे फ्रॉम पोल कैन नॉट बी सेड। क्या कहोगे, ऑब्जेक्ट इज मूविंग टुवर्ड्स पोल, इमेज इज मूविंग टुवर्ड्स पोल अवे फ्रॉम पोल कैन नॉट बी सेड। सोचो ऑब्जेक्ट इज मूविंग टुवर्ड्स पोल, ऑब्जेक्ट अगर इस जोन में है इट इज गोइंग टुवर्ड्स पोल, इमेज इज गोइंग अवे फ्रॉम पोल, ऑब्जेक्ट अगर इस जोन में, ऑब्जेक्ट इज गोइंग टुवर्ड्स पोल, इमेज इज गोइंग टुवर्ड्स पोल, तो इमेज इज गोइंग टुवर्ड्स पोल और अवे फ्रॉम पोल कह नहीं सकते, इट ऑल डिपेंड्स कि कहां पर है वो ऑब्जेक्ट। हाँ ये है कि ऑब्जेक्ट जिस डायरेक्शन में जा रहा है इमेज उसका उल्टा डायरेक्शन में जा रहा है। सो टुवर्ड्स पोल बोलने से वो अवे फ्रॉम पोल होगा ऐसा मत सोचना, समझ में आया क्या? हाँ, अगर पूछेंगे ऑब्जेक्ट इज मूविंग टुवर्ड्स सी तो इमेज
इमेज इज ऑल्सो मूविंग टुवर्ड्स सी. देखो ऑब्जेक्ट अगर यहाँ से इधर आया इमेज ऐसे आया, ऑब्जेक्ट अगर ऐसे आया तो इमेज ऐसे आया. इफ ऑब्जेक्ट इज मूविंग टुवर्ड्स सी इमेज इज ऑल्सो मूविंग टुवर्ड्स सी बट देयर डायरेक्शंस आर अपोजिट. तो इस किस्म की कंफ्यूजिंग क्वेश्चन को हैंडल करने का ताकत आपके पास होना चाहिए. डोंट रिमेंबर थिंग्स इन टर्म्स ऑफ सी एंड पी. रिमेंबर दैट वैल्यू द डायरेक्शन ऑफ इमेज इज ऑलवेज अपोजिट टू the direction of velocity of object. अब object कहाँ पर है उसके हिसाब से बाकी चीजें देखा जाएगा. क्या यहाँ तक चीजें मैं समझा पाया? Yes. Now let us go to the next point. Point number 3. हम जान गए कि object का velocity, image का velocity अलग है, not same. क्योंकि ये ज्यादा है तो कम होगा, ऐसा ही हो. अच्छा ऐसा बात है. तो कितना अगर ऑब्जेक्ट वेलोसिटी दिया हुआ है इमेज वेलोसिटी कैसे निकालेंगे. वी नो दैट यू इज डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर. वी इज डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम मिरर. चलो हम कहेंगे VO, velocity of object with respect to mirror. With respect to mirror velocity क्या होगा? Velocity of object it is du by dt. Simple है? That is equal to du by dt. किस रेट में u बदल रहा है? Similarly, अगर हम कहेंगे VI, velocity of image with respect to mirror, that is again same as differentiation of displacement of image with respect to mirror, that is dv by dt. तो क्या मिला आपको? Velocity of image by velocity of object is equal to velocity of image by velocity of object. You can tell them vectors is equal to क्या मिल गया? Vi by this it is coming out to be dv by du. और शायद थोड़ी देर पहले हम निकाले थे, आपको याद होगा dv by du का वैल्यू क्या था. dv by du is minus m square. Minus dv by du was m square. सर वो तो स्मॉल ऑब्जेक्ट के लिए था. अरे हाँ, हम तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकाल रहे हैं ना. दैट मींस स्मॉल डिस्प्लेसमेंट इन ए स्मॉल टाइम dt सेकंड्स. du by dt का मतलब क्या है? इफ u चेंजेस बाय ए स्मॉल अमाउंट du इन ए स्मॉल टाइम dt सेकंड्स देन द ऑब्जेक्ट वेलोसिटी इज du by dt. सो du एंड dv आर स्मॉल थिंग्स ओनली. नाउ फॉर स्मॉल ऑब्जेक्ट लेंथ हम देखे dv by du का वैल्यू क्या था? माइनस m स्क्वायर. तो क्या लिखे हम? क्या लिखें? इट इज माइनस एम स्क्वायर. फाइन. तो क्या पता चल गया? वेलोसिटी ऑफ इमेज इज इक्वल टू माइनस एम स्क्वायर साइंस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट. यहां से हमारा सारा चीज हमारे सामने आ गया. क्या पहला तो हुआ कि ये जो वेलोसिटी है बिकॉज ऑफ दिस माइनस साइन दे आर अपोजिट टू इच अदर. VO जिस डायरेक्शन में होगा, इफ VO इज समथिंग आई कैप देन VI हैज टू बी समथिंग माइनस आई कैप. व्हाई? बिकॉज m स्क्वायर इज ऑलवेज ए पॉजिटिव क्वांटिटी. m स्क्वायर कैन नॉट बी नेगेटिव, है कि नहीं? तो क्या पता चल गया? वेलोसिटी ऑफ इमेज इज ऑलवेज अपोजिट टू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट. क्या समझ में आ रहा है? लेकिन फिर भी यहाँ पे मिसकंसेप्शन रह जाता है. मैं यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया हूं. क्या? विथ रेस्पेक्ट टू मिरर. सपोज मिरर मूव कर रहा है, देन अगेन यू हैव टू प्रॉपर्ली अंडरस्टैंड दिस इज नॉट एब्सोल्यूट वेलोसिटी ऑफ इमेज. वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रेस्पेक्ट टू मिरर. समझ में आया क्या? वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रेस्पेक्ट टू मिरर. अगर यही चीज को समझा के लिखने की कोशिश करूं तो मैं क्या लिखूंगा? मैं क्या लिखूंगा? इफ
vo is actual velocity of object with respect to not with respect to ground sorry with respect to ground vi is actual velocity of image with respect to ground vm is actual velocity of mirror with respect to ground then क्या देखे हम लोग देखे velocity of image with respect to mirror is minus m square times velocity of object with respect to mirror velocity of image with respect to mirror is equal to minus m square times velocity of object with respect to mirror velocity of a with respect to b is velocity of a minus velocity b relative motion की fundamental तो सबको मालूम है क्या चीजें समझ में आ रहा है Yes. है ना तो अगर हमें यहां से vi और vo का रिलेशन निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे मुझे चाहिए वेलोसिटी ऑफ मिरर तो क्या मिल गया देखो तो vi प्लस m स्क्वायर vo ये वाला टर्म को इधर ले आया ये वाला टर्म को इधर ले दिया इट इज m स्क्वायर vm ये और ये इधर आ गया प्लस vm इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ मिरर इज ऑलवेज गिवन बाय vi प्लस m स्क्वायर vo बाय 1 प्लस m स्क्वायर ठीक है कुछ लोग डर रहे होंगे डरो मत यार ये कब बताएंगे बोर्ड में तो आएगा नहीं ये वाला फॉर्मूला थोड़ा बता दिए आप लोग थोड़ा याद रखो सबर करो कोऑपरेट करो ये बच्चों के लिए दूसरा कब हम बनाएंगे छोटा छोटा आर्टिकल छूट जाएगा नहीं तो अभी नहीं बताएंगे तो इसलिए बता दिए प्लीज कोऑपरेट नोट्स में रह जाएगा आपका क्या तो अगर एब्सोल्यूट वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट मान लो कि कोई कार जा रहा है कार का मिरर लगा है रियर व्यू मिरर यहां पर कोई आदमी बैठ के देख रहा है कार भाग रहा है वो देख रहा है कि उसके पीछे कोई कार की तरफ भाग रहा है ही इज एबल टू सी द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट फिर कार के अंदर उसको इमेज का वेलोसिटी दिख रहा है द मैन ऑन ग्राउंड इज एबल टू सी vi एंड vo देन व्हाट इज vm व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ कार दैट कैन बी कैलकुलेटेड दिस फार्मूला फ्रॉम दिस फार्मूला पहले हमें निकालना पड़ेगा कि ऑब्जेक्ट और इमेज का वैल्यू से पता करना पड़ेगा व्हाट इज मैग्निफिकेशन m क्या है m इज v बाय u ऑफ कोर्स माइनस है लेकिन हम लोग तो यहां पर m स्क्वायर ले रहे हैं तो m इज v बाय u अगर और m का दूसरा फार्मूला है f बाय f माइनस u आप जो जानते हो अगर ऑब्जेक्ट मिरर से इतना पीछे है तो क्या होगा इमेज आप देख सकते हो समझ में आया क्या समझ में आया जानने के लिए मैं आपको एक छोटा सा क्वेश्चन दूंगा एक कार इज मूविंग विथ 10 मीटर It uses a convex mirror of focal length say something like 100 centimeter. चलो ठीक calculation के लिए आसान man लेंथ 100 सेंटीमीटर दिया है ए मैन 60 मीटर सेंटीमीटर नहीं ये मीटर पर सेकंड अच्छा अच्छा 100 थोड़ा इसको वैल्यू बदल देते हैं ये सेंटीमीटर नहीं मीटर है 100 मीटर ओ 100 मीटर है ठीक है मैन 60 मीटर बिहाइंड ये क्यों नहीं जाता
ए मैन 60 मीटर बिहाइंड कार, ए मैन 60 मीटर बिहाइंड कार इज रनिंग towards car, running in direction of velocity of car with say something like 20 meter per second. What is velocity of image as seen by car driver? A man on roadside. Question को देखिए, question simple है, ज्यादा difficult नहीं है, आप अगर सोचोगे तो काम बन जाएगा। थोड़ा सा आप try करो, फिर मैं बताता हूँ। चलिए आप लोग ट्राई कर चुके हो, अब मैं ट्राई करता हूं आपके साथ मिलके। तो बात कुछ ऐसा है, ओके, ओके। ना ये हो गई क्वेश्चन। हमें जो फॉर्मूला मालूम है वो ये है कि एब्सोल्यूट वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, हमारा जो फॉर्मूला है velocity of object, excuse me, velocity of image minus velocity of mirror is m square times velocity of object minus velocity of mirror, है ना? अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है? कार और ऑब्जेक्ट दोनों मूव कर रहे हैं, सी है, हियर इज कार, ये कार भाग रहा है कितने में? ये भाग रहा है 10 मीटर पर सेकंड में। आदमी दौड़ा रहा है कितने स्पीड में? सेम डायरेक्शन में, 20 मीटर पर सेकंड में। यस, कितने दूर पे है ये? इट इज 60 मीटर बिहाइंड द कार, ओके। सॉल्यूशन में बात करेंगे तो हियर फोकल लेंथ इज 100 मीटर, हाँ है, ठीक है, और ये कन्वेक्स मिरर है तो प्लस 100 लेंगे, क्योंकि कन्वेक्स मिरर में ये इंसिडेंट रे का डायरेक्शन हुआ, फोकस इधर होता है। ठीक है, तो F पॉजिटिव हो गया। U क्या दिया? 60 मीटर बिहाइंड द कार माइनस 60। क्या हम M निकालना जानते हैं? हाँ सर जानते हैं, F बाय F माइनस U, इट इज कमिंग आउट टू बी F इज 100 in F minus U is 100 minus minus 60, तो 100 minus minus 60 is 100 by 160 is 5 by 8 of diminished image, ठीक है, virtual diminished है, erect भी है, मतलब भागता हुआ आदमी सर ऊपर पांव नीचे तो इमेज में भी वही दिखेगा, उल्टा नहीं दिखेगा कि सर नीचे पांव ऊपर, ठीक है, इसलिए तो कन्वेक्स मिरर यूज करते हैं।
सिम्पटम्स क्या है, इज 5 बाय 8 का स्क्वायर 25 बाय 64, ठीक है। पीओ माइनस पीएम, पहला बिट में एक्चुअली आपको पूछा गया था निकालने के लिए, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ इमेज एसिंग बाय द कार ड्राइवर, यू नो कि द कार ड्राइवर इज आल्सो मूविंग विद द कार, द वेलोसिटी ऑफ द मिरर विथ रिस्पेक्ट टू ड्राइवर इज जीरो, तो वेलोसिटी ऑफ द इमेज विथ रिस्पेक्ट टू कार ड्राइवर मींस वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू मिरर। हमें पूछा गया है velocity of image as seen by car driver is equal to velocity of image minus velocity of mirror and that is m square times minus velocity of mirror, formula हमारे पास है। ये चीज पूछा गया माइनस 25/64 बीओ क्या है, चलो हम सोचते हैं कि बीओ जिस डायरेक्शन में, बीएम उस डायरेक्शन में, चलो मानते हैं कि ऑब्जेक्ट इधर जा रहा है, मिरर भी इधर भाग रहा है, तो दोनों का आई कैप ले लेते हैं, बीओ इज 20 आई कैप माइनस 10 आई कैप, इट इज 10, सो इट इज कमिंग आउट टू बी 10 हो गया तो हो गया 250/64 माइनस 250/64 आई के मीटर पर सेकेंड, यू कैन सिंप्लीफाई, दैट मींस इमेज अपीयर्स टू मूव टुवर्ड्स द ऑब्जेक्ट विद अ वेलोसिटी 250/64 मीटर पर सेकेंड, व्हिच इज रफली अराउंड समथिंग लाइक 4 पॉइंट समथिंग आएगा, 4 हां 4 भी नहीं आएगा, 3.9 समथिंग आएगा। क्या आपको समझ में आ रहा है? दिस इज द वेलोसिटी ऑफ इमेज एज सीन बाय द ड्राइवर, ये था बिट नंबर 1। बिट नंबर 2 में पूछा था व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ इमेज एज सीन बाय ए मैन ऑन रोड साइड, मींस यू वांट टू फाइंड आउट एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ VI। ओहो तो अब तो सिंपल है भाई, ये सब चीज आपको मालूम है, VI माइनस VM अगर मालूम है, VI निकालना क्या बड़ी चीज है, वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू ए मैन ऑन रोड साइड इज नथिंग बट द एब्सोल्यूट वेलोसिटी इज नथिंग बट VI माइनस VM प्लस VM, हाँ VI माइनस VM तो अभी अभी हम निकाल दिए, कितना निकल गया माइनस माइनस 250/64 आई कैप प्लस वेलोसिटी ऑफ मिरर क्या था, मिरर का वेलोसिटी कुछ था 10 मीटर पर सेकेंड एंड दैट टू द डायरेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट वेलोसिटी प्लस 10 आई कैप, तो क्या दिखेगा ये 640 हो गया माइनस 250 तो हो गया 440 और इट इज कमिंग आउट टू बी 390, यस 390/64 आई कैप मीटर पर सेकेंड। तो रोड साइड में जो आदमी है उसको इमेज का वेलोसिटी इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ कार दिखेगा कितना 390/64 है ना, ये चीजें रफली 5 पॉइंट समथिंग है। क्या सबको समझ में आ रहा है? Yes. तो ये हो गया वेलोसिटी इमेज। अब ऐसा कुछ नहीं, एक दो बार जेई मेन में आ चुका है और एडवांस में तो आते रहता है, तो हमें वेलोसिटी इमेज के बारे में पता चल गया, ऑब्जेक्ट के बारे में पता चल गया, विथ रिस्पेक्ट टू मिरर वेलोसिटी, लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन, लेटरल मैग्निफिकेशन एंड नथिंग मोर इज लेफ्ट इन द थ्योरी ऑफ दिस, बाकी सब डायरेक्ट एप्लीकेशन से फॉर्मूला लगा के कंसेप्ट लगा के आप कर सकते हैं, है ना, फॉर्मूला लगा के कंसेप्ट लगा के कर सकते हैं, सिंपल क्वेश्चंस होते हैं। तो यहां पर स्फेरिकल मिरर का फंडा खत्म हो जाता है।
आई विल मेक अ सेपरेट क्लास ऑन ओनली न्यूमेरिकल्स बना दूंगा, आई विल नॉट कील योर टाइम, आई विल मेक दैट वीडियो ऑफ वेराइटीज ऑफ न्यूमेरिकल्स और मैं आपको वो वीडियो दे दूंगा एंड विल स्टार्ट विद द नेक्स्ट चैप्टर. सो नेक्स्ट क्लास विल स्टार्ट विद रिफ्रैक्शन एंड सेंड यू द वीडियो ऑफ न्यूमेरिकल्स ऑन स्फेरिकल मिरर. थोड़ा आज मुझे माफ करिए, आज की क्लास इतनी ही करेंगे, फिर मिलेंगे अगले क्लास, तब तक के लिए जय हिंद. ठीक है, ओके, जय हिंद.